ईद मुबारक एंड वेलकम टू जी एफ एक्स मैं उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छी ईद गुजारी होगी बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत सारी ईदी भी जमा की होगी राइट So, आज हमारी है नाइन्थ क्लास आज हम पढ़ेंगे पाथफाइंडर शेप बिल्डर आप लोग देख चुके थे शेप बिल्डर से ही uh, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे आज देखेंगे पाथ फाइंडर uh, हम कुछ uh, बहुत ही आसानी के साथ कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हैं पाथफाइंडर से तो so, हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज सिमिलर है फाइंडर और शेप बिल्डर में राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, uh, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिवीजन कराना चाहूँगा रिगार्डिंग शेप बिल्डर ठीक है मुझसे कुछ एक आध इस्टूडेंट ने एक चीज़ पूछी थी कि जो मैंने ट्रेसिंग की थी उस वक्त आ, कुछ चीज़ मैंने की थी कि बाहर से एक शेप अंदर लेकर आया था और वो बाहर वाला किस तरह से गायब किया था शेप बिल्डर से तो वो आ, सिर्फ वो मैं इस वक्त रिपीट करूँगा एंड देन फिर हम प्रोसीड करेंगे पाथ फाइंडर पर आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा सो ये इस वक्त मेरे पास एक रेक्टेंगल uh, बना हुआ है एंड लेट से मैं कुछ यहाँ पर पेन टूल से एक्स्ट्रा चीज बना रहा हूं ठीक है एंड लाइक दिस सो so, ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ ये मुझे एजेस पे चाहिए खाली ठीक है तो so, मैं इसको इस तरह से पूरा बनाने के बाद लाइक दिस like और इसको मैं अब लेके जा रहा हूँ बाहर ठीक है जी तो so, मैंने बेसिकली कुछ शेप एक्स्ट्रा अलग से ये बना दिया जो कि बाहर है अब मुझे ये जो अंदर की तरफ अगर आप देख रहे हैं कुछ अजीब ऊटपटांग सी चीज़ मैंने बनाई हुई है ये मैं चाह रहा हूँ इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर आए तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा पाथ फाइंडर सॉरी शेप बिल्डर टूल लूँगा और शेप बिल्डर से देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्लस साइन बना हुआ आ रहा है मैं सिंपली ऑल्ट दबा के देखें माइनस आ रहा है तो मैं ये बाहर वाले को देखें सेलेक्ट मैंने दोनों को किया है सिर्फ बाहर वाले पर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा हिस्सा गायब हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा अब ये दोनों मिल नहीं गए ये अलहदा है ये अलहदा है ठीक है सो so, अब अगर इसमें लेट सपोज इसमें कोई ये कलर चले ऑरेंज होता ठीक है और इस वाले में भी मैं यही कलर पिक कर रहा हूँ बट इन दोनों में मैं ये कर रहा हूँ कि स्ट्रोक हटा रहा हूँ ठीक एंड इस वाले को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ लाइक दिस बल्कि ये थोड़ा और डार्क कर देते हैं ताकि डिफरेंस वाज तौर पर आप लोगों को नजर आए ठीक है सो काफी सारी चीज होती हैं कि हम एक चीज बनाना चाह रहे हैं और एग्जैक्टली exactly उसी शेप के अंदर अंदर बनाना चाह रहे हैं तो आपको शेप बिल्डर टूल काफी काम आता है सो so, ये तो था शेप बिल्डर शेप बिल्डर में एक और काम आप लोगों को मैंने बताया था कि आप शेप्स को मर्ज कर सकते हैं मिसाल के तौर पे ये दो सर्कल्स हैं अगर मैं शेप बिल्डर लेता हूं और ड्रैग करके इसके ऊपर से पूरा फेर देता हूं तो ये जुड़ जाएंगे ठीक है और ठीक उसी तरह से अगर मुझे माइनस करना हो तो मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करता जाऊंगा वो या इवन ड्रैग भी कर लोगे आप तो ये रिमूव हो जाएगा ठीक अच्छा जी सो so अब वॉट इज पाथ फाइंडर पाथ फाइंडर क्या है पहले तो मैं बता दू कहां से आएगा विंडो के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ नीचे देखें ये रहा आपका पाथ फाइंडर शिफ्ट कंट्रोल एफ नाइन इसका शॉर्टकट है आप चाहें तो शॉर्टकट से ओपन कर लें अदरवाइज यहां से ओपन कर लें ये है पाथ फाइंडर अच्छा इसमें ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी आप लोगों ने शेप बिल्डर के काम देखे थे वही काम आपको यहाँ भी मिलेंगे सो so, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये दो सर्कल्स हैं इन दोनों को मैंने क्लिक किया आई मीन सेलेक्ट किया और यहाँ से आके मैंने यूनाइट कर दिया अब ये वाला बटन जो है ये यूनाइट का है यूनाइट का मतलब वही है बिल्कुल जो शेप बिल्डर में जोड़ देता था ठीक उसी तरह से आपको ड्रैग कुछ भी नहीं करना आप चाहे जितने शेप्स ले लें मिसाल के तौर पर मैं और कुछ कॉपीज ले ले तो मैंने अंडू कर दिया था ओ oh, सॉरी मेरा वो कीबोर्ड uh, वाला इंडिकेटर ऑन नहीं है मैं अभी ऑन करके आया चले जी, मेरा कीस का इंडिकेटर ऑन हो चुका है सो आई होप ये अब हेल्पफुल रहेगा या नीचे ये आ रहा है अच्छा सो so मैंने यहाँ चार शेप्स रखे हैं इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इस यूनाइट पे क्लिक करूंगा ये चारों के चार एक शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है अब देखें एक ही इसकी आउटलाइन आ रही है ठीक ना इसके बराबर में आपके पास जो दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है माइनस फ्रंट ना माइनस फ्रंट का काम क्या है कि अगर मैंने ये दोनों चीजें बनाई हुई हैं दो सर्कल्स बनाए हुए हैं और ऊपर वाला जो है वो ये है सो so, ये वाला शेप इसमें से माइनस करेगा यानी माइनस फ्रंट फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट बैक वाले में से माइनस करेगा सो so, अगर मैं यहां क्लिक करूं तो अब देखें ये हिस्सा गायब हो चुका है ठीक है ना इसी के थ्रू आप चांद बना सकते हैं राइट right? सो so, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ये माइनस फ्रेंड किया यू गो आपका चांद जो क्रिसेंट होता है वो बन गया ठीक अच्छा जी थर्ड ऑप्शन जो है इसमें ये है आपका इंटरसेक्ट सो so, अगर इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूं और इन दोनों में जो कॉमन एरिया है वो रहेगा ठीक है और बाकी एरिया गायब हो जाएगा सो so, ये बिल्कुल वैसे ही है अगर आप लोगों ने स्कूल में मैथ्स की बुक में एक चैप्टर होता था आ, सेट्स सो यूनियन इंटरसेक्शन सप्रैक्शन ये वही सारी चीजें हैं जो इसीलिए मैं दो सर्कल्स दिए हैं ताकि आप लोगों को शायद वो याद आ जाए बट उस वक्त हमें एलिस्ट्रेटर के लिहाज से नहीं समझाया गया था बड़ा अजीब सा समझाया गया था बट देन यस है वही चीज़ें सो so, याद रखिएगा पहला वाला यूनाइट है ये मल्टीपल शेप्स को सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता है ये वाला माइनस फ्रंट है फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट बैक वाले में से माइनस कर देगा थर्ड वाला है इंटरसेट सही है ना अभी मैं थोड़ी देर के लिए इन तीनों को ही रखता हूं और इन तीनों में एक चीज आप लोगों को समझानी है पहले वाला तो बड़ा सिंपल सा है आप बहुत सारे शेप्स बना करके आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सो मिसाल के तौर पर मैं कुछ सर्कल्स बना रहा हूं ठीक है और Is, मैं एक क्लाउड वाला जैसे शेप होता है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ ना देखें आ, ये हैं तो बहुत सारे सर्कल्स अगर मैं इन सबको यूनाइट कर दूँ तो देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लाउड शेप बन गया आई नो बहुत बुरा है बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यूनाइट को हम कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है अच्छा माइनस फ्रंट माइनस फ्रंट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा देखिए मेरे पास एक ये सर्कल है सही है और लेट uh, से मैंने एक ओवल uh, बना दिया ठीक है और इस ओवल को मैं रखता हूं इस जगह पे बिल्कुल इसके सेंटर में आप चाहें तो अलाइन कर लें, और इसको मैं इसके सेंटर पे रोटेट भी कर रहा हूं कॉपी लाइक दिस ठीक और एक और सेंटर में मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ एक सर्कल बना रहा हूं ना शिफ्ट एंड ऑल्ट क्यों इसलिए वो सेंटर से ग्रो करेगा ठीक है right. so, बनेगा क्या इन सबको सेलेक्ट करें और में आके माइनस फ्रंट कर दें, See this? ये देगव्हील या सेटिंग्स वाला आइकन जो होता है वो बन गया ऑल दो मैंने ये कुछ ज्यादा बड़े बना दिए हैं, आप चाहें तो छोटे रख लीजिएगा सो लेट्स इसको छोटा कर दू थोड़ा सा ठीक है और अब मैं फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ सो so, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रखा हुआ और रोटेट टू लेकर मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको रोटेट किया और कॉपी कर ली ये आप लोगों को पता है मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आप लोग रोटेट वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ठीक है सो दिस एंड ये बहुत ही बुरा बनाया मैंने ये सेंटर में नहीं था So, इसको और इसको सेलेक्ट करें इसको दोबारा क्लिक करें और इसको सेंटर में ले आए ठीक है ये हो गया एंड माइनस फ्रंट एक्ट अब कुछ बेहतर लग रहा है राइट right? यूजुअली uh, आप लोगों ने बहुत सारे आइकन्स देखे होंगे जो कि आपके सेल फोन पे मोबाइल फोन पे या किसी वेबसाइट्स पे या कई जगहों पर आप लोगों ने सिंपल फ्लैट आइकन्स देखे होंगे और फ्लैट आइकन्स की खास बात ये होती है कि वो वन कलर होना जरूरी है बहरहाल वो सारी चीजें आज हम देखेंगे और उसके अलावा भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने वाले हैं हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी जाए लेकिन ट्रस्ट uh, मी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मिस मत कीजिएगा इसको ठीक है सो दिस वॉज सिंपल ये बहुत आसान सा था अच्छा इन तीनों में एक और चीज़ अगर आप नोट करें जैसे कि मैं माउस ओवर करता हूँ तो अच्छा ये लास्ट वाला टूल भी मैं आपको बता दूं एक्सक्लूड एक्सक्लूड इंटरसेक्ट का उलट है सो फॉर एग्जांपल मेरे पास आ, ये दो शेप्स हैं और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके एक्सक्लूड ओवरलैपिंग एरिया कर दिया यानी कि एक्सक्लूड कर दिया तो ये क्या करेगा ओवरलैपिंग एरिया जो है ये हटा देगा बीच से सो so, अगर आप गौर से देखें तो ये पार्ट हॉलो हो चुका है एम हो चुका है ये से यहाँ से गायब हो गया ठीक है सो so, इन चारों में शेप मोड्स जो हैं ऊपर इसमें एक और चीज आ रही है अगर और से देखें जैसे मैं माउस ओवर करता हूं तो इस पर लिखा हुआ रहा है तो यूनाइट एंड देन ऑल क्लिक टू क्रिएट कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया अब ये ऑल्ट क्लिक का क्या सीन है देखें बहुत काम का है सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो शेप्स हैं और इन दोनों को जैसे ही मैं यूनाइट करता हूं बगैर ऑल्ट प्रेस किए तो ये एक शेप बन जाता है लेकिन अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूं तो भी ये यूनाइट हो गया मैं चलो इसको एक काम करता हूं उसको जरा डिफॉल्ट कलर्स पे ले आता हूं अंडू कर दिया मैंने ठीक है ये देखें ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों को मैं यूनाइट जैसे ही करता हूं तो आपको सिंगल आउटलाइन दिख रही है और ये सिंगल पाथ ही है ठीक है लेकिन अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूं उस पर तो भी आपको सिंगल आउटलाइन दिख रही है सबकी मगर जैसी आप सेलेक्ट करते हो तो यू कैन सी यहां पर इसकी पाथ मौजूद है जिसका मतलब कि अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से एक ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं आउटलाइन एक ही रहेगी यानी स्ट्रोक आपको जो दिख रहा है वो एक ही रहेगा ये एक्ट ऐसे करेगा जैसे ये सिंगल ऑब्जेक्ट है लेकिन ये जुड़ चुका है तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीटली अंदर ले आऊं तो भाई लेकिन अगर आप बाहर निकालें तो ये यूं है इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप कर सकते हैं कई मत ऐसा होता है कि हम एक चीज़ बना रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि आया हम सही जगह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एंड बाद में हम इसको एक्सपैंड करके कंफर्म कर सकते हैं कि जी बिल्कुल आ, सही है सो so अगर आप टेस्टिंग पर्पस पर हैं तो फिर आप स्टार्टिंग में जैसे कर रहे हैं यू आर नॉट श्योर कि जो आप बना रहे हैं वो बिल्कुल सही एक्यूरेट बनने वाले तो आई वुड सजेस्ट कि यार ऑल क्लिक कर लें ताकि आपको दिख जाए और अगर आपको कुछ चीज़ आगे पीछे थोड़ी बहुत करनी है तो डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मूव कर लें एंड देन जब आपको लगे कि हाँ जी बिल्कुल सही हो गया उसके बाद आपने आकर के यहां से एक्सपैंड कर देना है एक्सपैंड का क्या काम होता है एक्सपैंड इसको ब्रेक कर देता है और इसको यानी एडिटेबल अब नहीं रहा अब इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव करके अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ठीक इसी तरह से आपके पास माइनस फ्रंट जो है इसमें भी आपके पास यही ऑप्शन है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहां से देखें मैं माइनस पॉइंट ऑल्ट के साथ कर रहा हूं जैसे ही मैंने किया ये इसने काट दिया मगर आप गौर से देखें तो आपको ये वाली पाथ भी नज़र आ रही है अगर आप इसको तो सेलेक्ट करें पूरे को तो ये देखें आपकी ये पाथ भी नज़र आ रही है सो तो आप चाहें तो इसको मूव करके और अंदर ले आ सकते हैं या इवन आप इसको सेलेक्शन टूल देखें मैंने क्या किया कि डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट किया और फिर मैंने सेलेक्शन टूल लेकर के इसको बड़ा कर दिया तो आप ये भी कर सकते हैं सिंपल राइट right? और अब जब आपको लगे कि हाँ जी फाइनलाइज हो गया है तो आप जाए और एक्सपैंड दैट्स इट बहुत आसान है बहुत ही इंटरेस्टिंग से शेप्स uh, आप कॉम्प्लेक्स शेप बहुत आसानी से बना लेते हैं ठीक है ना माइनस ट्वेंट के बाद आपका वही इंटरसेक्शन में भी यही तरीका है मैं इन दोनों को अब रिपीट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को पता है कि ऑल्ट के साथ अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा ठीक है आई बिलीव यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया है राइट right. सो so, जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास नीचे पाथ फाइंडर्स और वैसे पाथ फाइंडर की पूरी पैनल कहलाती है इनमें से शेप मोड्स ऊपर वाले हैं ये पाथ फाइंडर्स हैं और इनमें से भी शुरू के दो तीन ही ज़्यादा यूज़ होंगे सो so, पहला है आपके पास डिवाइड अच्छा जी डिवाइड क्या करता है डिवाइड आपके किसी भी ऑब्जेक्ट जो ओवरलैपिंग पाथ होती है उनको डिवाइड कर देता है सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये दो सर्कल्स बनाए हैं इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया ठीक है ना डिवाइड करने के बाद आप देखें कि ये पाथ इसके अंदर से भी नजर आ रही है हुआ ये है कि ये अब एक दो तीन अलग-अलग टुकड़े हो चुके हैं सही है सो अगर इनको मुझे अलग करना है तो पहले एक बार इसको अनग्रुप करना होगा राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें या कीबोर्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट जी सेलेक्टेड हो और कंट्रोल शिफ्ट जी आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपका अनग्रुप हो जाएगा ठीक है जी सो ये आपके अलग अलग तीन ऑब्जेक्ट्स हो गए अब आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि किसी एक एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक सिंपल सी लाइन में डिवाइड करना है तो आप यहां से लाइन टूल लें और यूं लाइन डाल दें ठीक है और दोनों को सेलेक्ट करके डिवाइड करें तो ये पाथ जो है वो गायब हो जाएगी तो तो उसकी अब जरूरत नहीं है आपको और इसने दो टुकड़ों में काट दिया अब आप किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स किस्म का शेप आप, आप, आप काटना चाह रहे हैं आप अपने पेन टूल से बना लें सो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस ठीक है जी और अच्छा इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपकी पाथ में फिल ना मौजूद हो ठीक है अगर तो फिल मौजूद होता है इसमें और से देखें इसमें व्हाइट फिल मौजूद है आप चाहें तो कोई कलर यूज कर लें ताकि आपको नजर आए कि जी फिल मौजूद है इसको सेलेक्ट करें ठीक है इसमें अब कलर मौजूद है ठीक है आप इस तरह से पाथ नहीं बनाएंगे जिसमें फिल मौजूद है बिकॉज अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बहुत बुरा डिवाइड करने वाला है बिकॉज वो शेप को क्लोज करके फिर डिवाइड करेगा सो so, सी ये अलग है ये अलग है बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो गए सो इंस्टेंट हमें करना क्या था हमें ये करना था कि इसको यूं काटना था लेकिन सिर्फ इस लाइन के ऊपर काटना था ठीक है सो so, मैं इसका फिल ऑफ़ करूँगा ठीक अब आप इसको डिवाइड कर लें एंड देन अनग्रुप करें तो आपके पास सिर्फ दो टुकड़े आएंगे दैट्स इट सिंपल सा है राइट ओके डिवाइड के बाद आपके पास आ रहा है ट्रिम अगर हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ कलर्स के ऑब्जेक्ट हैं ठीक है जी एंड सॉरी uh, इसमें मैं कलर अलाउ कर दूं ठीक एक दो तीन चार पाँच छ और इन सब में मैं मुख्तलिफ कलर्स ले रहा हूं ठीक है जी और इनकी मैं स्ट्रोक भी खत्म कर रहा हूँ राइट अब इन सारे कलर्स में अगर आप देखें तो इन सब के अलहदा अलीहदा सर्कल्स मौजूद हैं अच्छा ये चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आ, काम आती है अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग करवाने वाले हों तो यूज़ुअली स्क्रीन प्रिंटिंग अगर आप में से किसी को पता हो तो होता ये है कि अगर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट अपने सपोज टी शर्ट पर प्रिंट कराना है अजीब सा है थोड़ी देर के लिए मान कि हमें करवाना है सो so, हम ये करेंगे कि इन सब को बनाने के लिए याद रखिएगा कि स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है टी शर्ट्स को यूजली आ, उसमें यह होता है कि हर कलर की एक अलहदा स्क्रीन बनती है और स्क्रीन के लिए उसका पर्टिकुलर शेप होना लाजमी है सो so, अगर आप गौर से देखें तो ये जो शेप फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ इस ब्लू की बात करें तो ये हमें इतना दिख रहा है, है ना लेकिन है कितना ये पूरा इतना बड़ा है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ इसकी एक स्क्रीन बनानी थी ठीक है मैं इसको डी सेलेक्ट करके बाकी सबको डिलीट कर रहा हूँ तो जब इसकी खाली स्क्रीन बनानी होगी तो पूरा सर्कल बन जाएगा जबकि तो हमें सर्कल नहीं चाहिए हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितना ये दिख रहा है तो हमें जो पीछे छुपी हुई पार्ट है उसको ख़त्म करना है सो so, ट्रिम आपका यही काम करके देगा देखें जितनी ओवरलैपिंग पाथ्स हैं उन सबको ये ट्रिम खत्म कर देगा सही है अब अगर आप इसको अनग्रुप करें तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या है जो चीज़ जितनी दिख रही है वो सिर्फ उतनी ही है एक्स्ट्रा कोई डेटा कोई पाथ मौजूद नहीं है एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट के आप कोई स्क्रीन प्रिंटिंग कराना चाह रहे हैं या कुछ काम इसके अलावा भी कुछ दो तीन काम हम और करेंगे इसके साथ इनशाला आज अगर टाइम मिला तो ज़रूर आज भी करें आज ही करेंगे वरना नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है और मैं चाहूँगा कि बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊँ ठीक है राइट सो ट्रिम भी आप लोगों को समझ में आ गया एंड लास्टली आपके पास यहाँ पर है मर्ज ना मर्ज मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता रीज़न uh, के देखें ये दोनों अगर मैंने सर्कल्स रखे हुए हैं और मैं मर्ज करता हूँ तो ये एग्जैक्टली exactly वही काम करेगा जो मेरा यूनाइट करता है तो यार ये यूज़ करो या ये, ये यूज़ करो दोनों सेम है सिर्फ उस सूरत में कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का कलर सेम हो जैसे इस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों का कलर सेम है इसलिए ये मर्ज कर रहा है मगर अगर इसका कलर एक का कलर डिफरेंट है तो फिर क्या होता है अब जब मैं इनको सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक करता हूं तो ये एग्जैक्टली exactly वैसा ही काम करेगा जो हमारा ट्रिम कर रहा था विच मीन्स कि अगर मैंने मर्च किया तो देखेंगे है दोनों अलग अलग कलर और इसको मैं अनग्रुप करके अगर आपको दिखाऊं तो ये इसने वही काम किया है जो मेरे ट्रिम कर रहा होता था ठीक है सो आई बिलीव आप आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं कि किस वक्त क्या यूज करना है मैं सजेस्ट करूंगा यार ये त, बहुत ज्यादा यूजलेस रहा है अगर मुझे ट्रिम करना होगा तो मैं ये यूज कर लूंगा मर्ज करना होगा तो, हो, तो मैं यूनाइट यूज कर लूंगा राइट राइट नेक्स्ट आपके पास क्रॉप है आउटलाइन है और माइनस बैक अगेन मैं कहूँगा कि यार इन सब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती फिर भी मैं आपको बता दूँ कि करते क्या है आ, थोड़ा अजीब सा है क्रॉप मतलब अब देखिए क्या हो रहा है जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ जिस तरह से ये इंटरसेक्ट था कुछ उसी तरह का रिजल्ट दे रहा है मगर ये एक, एक एक्स्ट्रा पाथ भी दे रहा होता है क्यों दे रहा है मुझे आज तक नहीं समझ में आया इतने सालों में ठीक है मैं ज़्यादातर अगर मुझे यही रिजल्ट चाहिए होता है तो मैं यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेता हूँ ठीक देन आपके पास हो सकता है इसका कोई और काम हो बाखुदा मुझे नहीं इस चीज़ का फ्यूचर में कभी पता चला कि यार ये क्यों अलहजा से दिया हुआ है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा फिर ये आपके पास दिया हुआ है आउटलाइन ये बहुत थिन सी आउटलाइन आपको बना के दे, दे देता है जिसका फिर मुझे कोई इतना खास काम नजर नहीं आता एंड लास्टली माइनस बैक ये माइनस फ्रंट का उलट है कभी आपको पीछे वाली चीज आगे में से माइनस करनी है तो लाइक like, हाँ पीछे वाली चीज आगे में से माइनस करनी है यस तो आप इसको यूज कर सकते हैं माइनस बैक नाउ सो दीज वर दी ऑप्शंस ये कुछ हमारे ऑप्शंस थे जो हम ऑब्जेक्ट्स uh, को काटपीट करने के लिए यूज uh, कर रहे होते हैं तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि हम आइकन्स बना सकते हैं इन सब की हेल्प से मगर उससे पहले मैं कुछ और आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं ठीक है एक बात जो मैंने स्ट्रोक्स वाली क्लास में आप लोगों को बताई थी ऑल अबाउट स्ट्रोक्स जिसमें मैंने स्ट्रोक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी आज मैं स्ट्रोक्स को ही थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा स्ट्रोक्स के साथ मेरी छोटी सी आ, आ, मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम है स्ट्रोक्स के साथ एंड इनफैक्ट मुझे नहीं सबको ही है आ, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि हमारा एक लोगो है ठीक है और वो लोगो ये है सही और इसका स्ट्रोक भी चौड़ा है और लेट से ये राउंडेड कॉर्नर है ठीक और इसी के साथ मैं एक छोटा सा स्टार और रख रहा हूँ ठीक है और एक यहाँ एंड इसको मैं फ्रंट पे ला रहा हूँ ठीक है तो नहीं यार इसको यूं रखते हैं इसको यूं रखते हैं ठीक है और इन दोनों को मैं अलाइन कर रहा हूं सो अज्यूम right. so, कर लें थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा एक लोगो है ठीक है इसको मैं हटा रहा हूं इसकी हमें जरूरत नहीं है सिर्फ इस पर फोकस करिएगा ठीक ये हमारा लोगो है ना लोगो एक ऐसी चीज होती है मैं लोगो डिजाइन नहीं बता रहा हूं प्लीज मुझसे अभी नहीं पूछेगा लोगो डिजाइन में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है सो so, अज्यूम करें कि ये हमारा लोगो है और ये स्ट्रोक्स के साथ ही है ठीक है ना लोगो एक ऐसी चीज होती है जिसको हम जितने भी साइज पे रखना चाहें इजीली रख सकते हैं सो so, कई बार ऐसा होता है कि आ, हम एक छोटे से बिजनेस कार्ड पे बहुत छोटा सा चाहिए लेकिन अगर बड़े बिलबोर्ड पे चाहिए तो हो सकता है वो दस बारह फीट लाइक सॉरी like, अगर 90 फीट चौड़ा है तो हमें बहुत बड़ा तकरीबन दस फीट तक हो सकता है हमारे लोगो चाहिए बट प्रॉब्लम यह है कि हम इसको रिसाइज कर सकेंगे राइट right? क्योंकि वैक्टर है रिसाइज हो सकता है लेकिन एक छोटा सा मसला है सो so, अगर मैं बड़ा करता हूं इसको तो कुछ डिफरेंस फील हुआ ये हमारी स्ट्रोक पतली लग रही है इस वक्त ठीक है मैं अंडू कर रहा हूं बल्कि एक कॉपी ले लेते हैं ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको ये मैंने बड़ा किया अब इन दोनों को कंपेयर करके देख लो कहीं से नहीं लग रहा कि ये यही वाला लोगो है ठीक है? अच्छा चलें थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हमें बड़ा नहीं छोटा करना है सो लेट से मैं इसको छोटा करता हूं अब देख सो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम जैसे किसी भी स्ट्रोक वाली चीज को बड़ा या छोटा करते हैं तो स्ट्रोक स्केल अप या स्केल डाउन नहीं होता बड़ा छोटा नहीं हो रहा होता हाँ हम इसमें सेटिंग्स हैं हम कर सकते हैं और वो ये कि हम अपनी प्रेफरेंसेस को जाकर चेंज करते हैं थोड़ा सा एडिट में जाएंगे यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाएंगे और चले जाएं जनरल ठीक है और यहाँ पे आप देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट अगर मैं इस पर चेक लगा दूँ और ओके okay कर दूँ तो अब हाँ मेरा स्ट्रोक बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा और मेरा डिज़ाइन बिल्कुल बैलेंस रहेगा जितना प्रोपोर्शन मेरे डिज़ाइन के साथ स्ट्रोक्स का है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा तो हाँ ये सोल्यूशन तो है लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर का सोल्यूशन है सो तो अगर यही फ़ाइल मैं किसी और जगह पे देता हूँ और वहाँ पर ये सेटिंग्स डिफरेंट हुई मतलब उन्होंने अगर स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट को चेक नहीं लगाया और फिर रिसाइज किया बर्बादी ठीक है सो आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी अपने कोई भी काम करके क्लाइंट को दें तो ऐसी दें चीज़ के ईजी टू यूज हो वो उसके लिए उसको देखें जो आपसे बनवा रहा है वो इतना टेक्निकल नहीं होता अगर वो टेक्निकल होता तो वो खुद बना लेता ठीक है सो so, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको इतना परफेक्ट uh, करके चीज़ दें कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ठीक है सो so, सोल्यूशन uh, क्या है सोल्यूशन ये है कि हम स्ट्रोक्स रखेंगे ही नहीं अपने डिज़ाइन में स्ट्रोक्स रखेंगे नहीं हाँ स्ट्रोक्स बनाएंगे जरूर लेकिन उसको कन्वर्ट कर देंगे फिल्स में अब ये फिल्ड में कन्वर्ट करने का काम क्या है देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था एक्सपैंड फाइंडर में ठीक है अभी तो खैर ये बंद है ये एक्सपैंड आपको यहाँ से भी मिल सकता है ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पर आ रहा है एक्सपैंड अच्छा एक्सपैंड जैसे आप करते हैं तो आपसे ही कुछ पूछता है कि जी क्या एक्सपैंड uh, करना है मुझे फिल नहीं करना मुझे स्ट्रोक्स को एक्सपेंड करना है ठीक है इसको स्ट्रोक्स पे चेक लगा रहने दें और उसको ओके कर दें ये हो गया आपका एक्सपेंड ठीक है अच्छा अब एक्सपेंड हो गया इसका फायदा क्या है कि देखें यहाँ इसका फायदा है ये कि ये फिल्म में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ देखें आपके स्ट्रोक्स यहाँ पर बिल्कुल नन है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ऑफकोर्स यहाँ पे दो कलर सेलेक्ट हुए हुए हैं तो इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिख रहा है लेकिन इंटरेस्टिंगली आप इसको छोटा करें या बड़ा करें कोई मसला नहीं होगा हाँ आप जाएँ अपना यहाँ से प्रेफ्रेंस में से जनरल में जाएँ और उसको भी हटा दें एंड प्लीज़ इसको हटा रहने दीजिएगा ताकि आप कोई गलती ना करें बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर में ये ऑफ ही होता है ठीक है आई वुड रिकमेंड कि इसको ऑफ़ ही रखें ठीक है वैसे यही चीज़ यहाँ से भी ऑन हो सकती है जो आपने स्केल टूल देखा था रिमेंबर यहाँ डबल क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो बट डोंट डू दिस नहीं कीजिएगा ठीक है हाँ इंस्टेड आप क्या करेंगे आप इसको एक्सपैंड कर दें एक्सपैंड करने से आपका स्ट्रोक फील्ड में कन्वर्ट हो गया है और बहुत ईजीली आपकी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं हाँ अब एक काम मैं आप सोच रहा हूँ कि पाथफाइंडर से uh, फौन जंप मार करके या स्ट्रोक पर क्यों आ आगे क्योंकि मुझे इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक चीज़ बतानी थी देखें अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ट्रिम और अगर गौर से देखें तो आपको बहुत सारी पाथ नज़र आ रही है ठीक है एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ व्यू में अगर आप जाते हैं आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है आउटलाइन व्यू कंट्रोल वाई शॉर्टकट है हम यूजुअली अपने आर्टवर्क को कंट्रोल वाई करके भी चेक कर सकते हैं कि हमें इसमें सिर्फ पाथ दिख रही होती है अब देखें कितनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सी पाथ दिख रही है इतना सारा तो डिजाइन भी नहीं है जितनी सारी हमें पाथ दिख रही है सही है डिजाइन तो बड़ा सिंपल सा है ठीक सो so, अब हम इसको भी सेलेक्ट करके आप चाहें तो ट्रिम कर दें दैट्स इट अब जो गैर जरूरी चीजें थी गई आप ये भी कर सकते हैं हाँ यहां पे मुझे मर्ज का, का काम जरा अच्छा लगता है देखें अगर मैं ट्रिम कर रहा हूँ ये बात आपको दिख रही है अलहदा से मतलब ऑल दो ये दोनों ब्लैक ही है, ये चाहे हैं ये चाहें तो ये एक शेप बन सकता था इस सूरत में ये काम आ जाएगा आपको मर्ज यूनाइट नहीं क्योंकि अगर यूनाइट करोगे सब एक कलर का हो जाएगा ये मत करना मर्ज कर दें सो so, जो सेम कलर्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे जो डिफरेंट कलर्स हैं वो अलहदा से ट्रिम हो जाएंगे सही है यहाँ पे हाँ डेफिनेटली मर्ज बहुत काम आता है सही सो so, yeah, ये अब आपका एक सिंगल ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया है जिसमें कोई एक्स्ट्रा पाथ मौजूद नहीं है और देखें अगर मैं कंट्रोल वाई करके अब आपको दिखाऊं कितनी साफ सुथरी क्लीन सी आपकी आउटलाइंस है ठीक है सो यस ये बहुत काम का है कंट्रोल वाई याद रखिएगा शॉर्टकट है आपका आउटलाइन से दोबारा वापस आने में प्रीव्यू मोड में ठीक है ये आपका आउटलाइन से वापस हम आ गए सो आई बिलीव यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा राइट नाउ इसी को साइड में रखते हैं और उसको मैं दोबारा लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे अब मिसाल के तौर पर आपका डिजाइन ये नहीं था आपका डिजाइन कुछ और था मैं सिर्फ एक काम ये कर रहा हूं कि मैं स्ट्रोक का कलर व्हाइट कर रहा हूं बिलफर्ज आपका डिजाइन कुछ ऐसा है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं येलो राइट ये है और कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ बीच में अगर जो आपको वाइट दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसपेरेंट होता लेकिन खैर इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट नहीं है अगर मैं इसको उठा करके यहाँ ग्रे एरिया पर रख दूँ तो आपको ये वाइट दिख रहा है ना अगर मैं इसका कलर यही वाला कर दूँ तो आपको ये दिख रहा है प्रॉब्लम यह है कि अब इसको मैं यहाँ रखूंगा तो ये ग्रे स्ट्रोक दिख रहा है मुझे मसला ये है कि ये जितना एक्चुअली स्ट्रोक है इतना मुझे गैप चाहिए इनके बीच में समझ तो में आ रहा है सो तो हम एक काम और कर सकते हैं हम फिर से जा रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं याद रखिएगा ये वही स्ट्रोक वाला है मैं कॉपी लेकर आया हूँ फिर नहीं मुझे स्ट्रोक को एक्सपैंड करना है एक्सपैंड मैंने किया और इसको जाके आप ट्रिम कर दें अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस, इस चीज़ को करने में आप अपने स्ट्रोक का कलर कोई ऐसा कलर लीजिएगा जो आपके पूरे आर्टवर्क में ना हो सही है इसीलिए मैंने ये ग्रे ले लिया था इस वक्त यहाँ पर मेरे पास कोई ग्रे ऑब्जेक्ट नहीं है क्यों अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं इसको ट्रिम कर दूं ट्रिम करने के बाद आप ये करें कि मैजिक वार्न लें मैजिक वार्न क्या करता है आपके सेम कलर्स जो भी होते हैं उनको सेलेक्ट करता है एक साथ सो सिंपली अगर मैं इस ग्रे पर एक बार क्लिक करता हूँ तमाम तरह ग्रे कलर सेलेक्ट हो गया और कीबोर्ड से जाके आप डिलीट दबा दें अब इसने ये किया कि जी हमारा स्टार ट्रांसपेरेंट कर दिया है बाकी का जितना एरिया है वो गैप है ये समझ में आया आप लोगों को आई होप आ चुका होगा मैं इसी की एक दो और एग्जांपल्स बताता हूँ हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं सो so, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सर्कल है ठीक है और लेट्स से इसकी कुछ कॉपीज है ठीक है और इन सब के बीच में मुझे गैप्स चाहिए ठीक है जस्ट लाइक दिस मैं सिंपली वाइट स्ट्रोक रख रहा हूँ और इसका स्ट्रोक बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कुछ इस तरह का डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ ठीक है और जिनमें मतलब ये कि सर्कल्स ना हो गैप्स हो ये ये जो क्रिसेंट टाइप के शेप्स बने हुए आ रहे हैं ये बने हुए आ रहे हो और यहाँ पर ये एक सर्कल हो ठीक है लेकिन अभी तो इसमें क्या है कि स्ट्रोक हमने लगाया हुआ है वाइट सही है मैं ये चाह रहा हूँ कि ये गैप्स ना जाए ठीक ये करें कि आपने स्ट्रोक का कलर कुछ भी कर दें वो कलर जो आपके आर्टवर्क में ना हो और उसके बाद जाए अपने इसको पूरे आर्टवर्क को सेलेक्ट करके एक्सपैंड करें ठीक और ट्रिम करके मैजिक वन लेंगे ब्लू को सेलेक्ट करेंगे एंड डिलीट ठीक है जी so, सो ये भी आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट ऐसा बन गया है जिसमें सिर्फ गैप्स है ठीक ये यूजली ये ट्रिक जो है हम बहुत सारे एलस्ट्रेशन आइकन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं सो so, एक और मैं आइकन आप बना रहा हूँ एक सिंपल सी नोटबुक का आइकन अच्छा मैं इस वक्त कोई आइकन्स के साइजेस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ इस पर फिर हम किसी दिन बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इन शाह अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो बल्कि एक पूरी क्लास रख लेंगे आइकनस के ऊपर ठीक है अभी मैं सिर्फ आप लोगों को पाथान्डे समझाने के लिए कुछ चीज़ें बना के दिखा रहा हूँ सही So, सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं और किसी भी कलर का बनाने कोई मसला नहीं है मैं यहाँ से कर रहा हूं और लेट्स से मैं ग्रे कलर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ठीक है नाउ इसमें मैं कुछ और राउंडेड रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ लाइक दिस एंड कोर्स इसका कुछ ना कुछ स्ट्रोक रख लें so, ये स्ट्रोक रख दिया एंड <coughs> इसकी मैंने कुछ कॉपीज ले ली एट like दिस इस पूरे चारों को आई I मीन mean ये पांचों को मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया और अब इन दोनों को देखें अब ये एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे चल रहा होगा ये इसलिए ग्रुप किया है ताकि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर सकूं ठीक है जी दूसरा काम मुझे इसमें से कुछ और लाइन इसके बीच में से मुझे चाहिए ठीक हाँ अभी अभी आप लोगों को जो ये दिख रहा है वाइट स्ट्रोक के साथ तो, तो सही दिख रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं यहां रखूंगा तो बहुत बुरा दिख रहा है सही? अगेन मुझे इसको इस तरह का आइकन बनाना है जो कि ये एरिया जो वाले हैं, ये गैप्स हों so, आप ये भी कर सकते हो कि इनको और इन सबको सेलेक्ट करो आप कोई और कलर दे दो इसके अंदर फॉर एग्जांपल बस ये दिमाग में रखिएगा कि कोई ऐसा कलर लेना है जो हमारे आर्टवर्क में ना हो क्यों क्योंकि मैजिक वार्न से जब आप सेलेक्ट करके डिलीट करते हो तो तमाम तर वो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी जो सेम कर की हैं तो so, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कोई दूसरा आर्टवर्क जो है वो भी डिलीट हो जाए ठीक सो so, इन दोनों दोनों को मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट में मैं एक्सपैंड किया और पाथ फाइंडर में जाके ट्रिम कर लो ठीक है ट्रिम करने के बाद मैजिक वार्न लेंगे ब्लू कलर को सेलेक्ट किया और डिलीट सेट आई बिलीव यहाँ तक के कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें हैं लेकिन बहुत ही आ, काम की चीजें ठीक है ये कई यूज होता है हम लोग आ, कई मरतबा चीजों को आ, डिफरेंट तरीके से कट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं ठीक है जी लेट्स मेक वन मोर छोटा सा कुछ एक और आइकन मैं बना देता हूँ एक आइकन आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा होम वाला आइकन और खैर इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है मैं सिंपली कुछ राउंडेड रेक्टेंगल से ही चीज़ बना रहा हूँ मैंने ये एक स्क्वायर बनाया है राउंडेड मैंने एक ये चीज़ रखी है यहाँ पर ये भी राउंडेड रेक्टेंगल ही है इन दोनों को मैंने यूँ रोटेट किया और साथ साथ इनको देखिए मैं इस वक्त इसको फोकस किए हुआ ऊपर वाले पार्ट को और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप किया और इसके साथ मैंने अलाइन कर दिया ठीक है थोड़ा सा ऊपर जाएगा ठीक अब आ, लेट से इन सब को अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ से यूनाइट कर देता हूँ अब ये जो ट्रायंगल आ रहा है मुझे ये ज़रूरत नहीं है दो तरीके या तो आप इस ट्रायंगल को डिलीट कर दो किस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ ये इस पाथ को सेलेक्ट करके एक बार और दो बार डिलीट करना होगा ना? दो बार क्यों डिलीट करना हो रहा है क्योंकि यूजुअली जब आप एक ऑप्शन एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हो और डिलीट करते हो तो आधी कुछ बात बची रहती है उसको भी हमें डिलीट करना होता है ठीक है दूसरा एक और ये है कि आप सेम कलर का कुछ और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बना दो और इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर दो तो वो ऐसे ही गायब हो जाएगा ठीक है ना मुझे इसमें से एक दरवाज़ा खोलना है एक और राउंडेड रेक्टेंगल बनाया और सबको अलाइन किया और अब आप चाहें तो इसके साथ भी कर सकते हैं ठीक है या आप चाहें तो माइनस फ्रंट कर इट सो देखें मैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी सी चीजें नहीं है आ, ये ही वो छोटी चीजें हैं जिनको कर करके आप बड़ी चीजों पर आएंगे आ, एक और लास्ट आइकन मैं आप लोगों को जरूर बना के दिखाना चाहूंगा जो एक समझे चैट आइकन सो मैंने एक सिंपली ओवल बनाया और मैं एक टूल से ये एक कॉल आउट वाला जो शेप है मैंने ये बनाया ठीक है और थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ या बल्कि इसको थोड़ा सा वाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही यस yes, आप सही है ठीक सो so, इसको मैंने सेलेक्ट करके यूनाइट कर दिया ठीक मैंने इसी की एक कॉपी ली और इसको मैंने कर दिया uh, रिफ्लेक्ट इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया ठीक है ना इस को मैं यहाँ रख के इसमें मैं दे रहा हूँ एक स्ट्रोक और स्ट्रोक uh, uh, किसी भी कलर का आप दे दें वैसे तो लेकिन प्लीज़ जैसे मैंने बताया था कोई और कलर लीजिएगा ऐसा कलर लीजिएगा जो आपके आर्टवर्क में ना हो ठीक है अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला आ रहा है मैंने स्ट्रोक सपोज वाइट ही ले लिया थोड़ी देर के लिए <coughs> देखें हुआ यह है कि जैसे ही मैंने स्ट्रोक लगाए ये जो आ, इसका पार्ट था जो कि पॉइंटेड सा था ये थोड़ा सा कम हो गया थोड़ा छोटा हो गया क्यों हो गया क्योंकि देखें हमारा स्ट्रोक जो है वो है सेंटर अलाइंट मैं थोड़ा सा और थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ रेड ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ देखें हमारा स्ट्रोक है सेंटर अलाइंट अब चूंकि जब मैंने स्ट्रोक को चौड़ा किया तो सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी आए ये आप लोगों में स्ट्रोक की अलाइनमेंट्स पहले पढ़ा चुका हूँ सो so, अगर मैं इस स्ट्रोक की अलाइनमेंट सेंटर में रखता हूँ तो देखें ये ग्रे वाला एरिया कम हो गया ठीक है फर्ज अगर मैं स्ट्रोक हटा दूँ तो देखें क्या है कि ये इतना यहाँ तक है और अगर मैं स्ट्रोक रखता हूँ तो ये यहाँ के बजाय यहाँ तक आ चुका है ठीक है सल्यूशन मैं स्ट्रोक को बाहर की तरफ अलाइन कर रहा हूँ लाइक दिस लेकिन अब एक छोटा सा मसला है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ देखें इनको मैंने आ, अगर जब इसको मैं सेलेक्ट करके एक्सपैंड करने जाता हूँ तो एक्सपैंड डिसेबल्ड है एक्सपैंड अपेरेंस आ रहा है डोंट वरी एक्सपैंड अपेरेंस कर लें ये भी वही चीज़ है ये यूजुअली जब आपका नॉर्मल से हट के कुछ स्ट्रोक होता है तो यूजुअली आपके पास एक्सपैंड अपेरेंस आ रहा होता है तो डू इट बिल्कुल वही काम करेगा इसको एक्सपैंड अपेरेंस करें अब देखेंगे ये आपका स्ट्रोक एक्सपैंड हो गया या स्ट्रोक से कलर हट चुका है दैट मीन्स कि अब यहाँ पर आ चुका है और ये फिल है सही है इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ यार ठीक है जी और यहाँ रख रहा हूँ बिल्कुल यहीं सही ठीक और इन दोनों को सेलेक्ट करके अब मैं कर रहा हूँ क्रिम और सिंपली मैजिक वन से जा कर के इस रेड कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ डिलीट कर दे रहा हूँ ठीक है गो आपका एक और बड़ा सिंपल सा वन कलर आइकन देखें ये सारे वन कलर आइकन हैं इसका फायदा ये होता है कि आप बाद में इसमें ग्रेडियंट डालना चाहें या जो भी डालना चाहें आप बहुत ईजीली और वन कलर है तो आप कोई भी कलर इसमें अडोप्ट कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स है मैं इसमें कोई कलर डाल देता हूँ वॉचेस के थ्रू चल पर्पल बनाते हैं ठीक है इसी की कॉपी ली और इसको थोड़ा सा डार्क किया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट कलर दिया ठीक और अब मैं इसको ऊपर से नीचे चाहे तो इस वाले का कलर चेंज कर लें मैं इसमें ग्रीन डाल देता हूँ ठीक है सो आई बिलीव आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया आज राइट इसमें भी मैं यही कलर पिक कर लेता हूँ क्योंकि तो अब हम आप ग्रेडियंट्स वगैरह सब जानते हैं ठीक है इसको भी आप चाहें तो इसी के साथ रख दें याद रखिए जब भी आप कोई चीज़ स्पेशली आइकन्स वगैरह बना रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि वो सब एक फैमिली के लगे ठीक है ऐसा ना हो कि सब अलग अलग दिख रहा हूँ अच्छा ओके मैं यहाँ पर एक काम और कर रहा हूँ कि मुझे यार ये जो अंदर वाला है इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलेक्शन से और डिलीट कर रहा हूँ क्यों क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना क्लियरली नज़र आएगा ठीक है अगर सिंपल नहीं होता हमारा आइकन वो नज़र नहीं आता ठीक है और इसमें भी जो मैंने ग्रेडियंट में ये लाइट कलर लिया है इसको भी मैं हटा रहा हूँ like ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी और दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग ये हमारा सिर्फ स्टार्ट है और बहुत डिटेल में आप लोगों को, को बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आ, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और अब आस्ते आस्ते मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो प्रोफेशनली आप लोगों को काम आएंगी मैं प्लीज़ मुझसे ये मत कहिएगा कि सर मुझे फेस की इलस्ट्रेशन बता दें या ये बता दें मैं कोशिश करूंगा कि जिस हद तक मैं चीज़ें आप लोगों को कवर करा सकूं कराऊंगा और मेरा मेरा मेन फोकस ये है कि मैं वो चीज़ें पढ़ाऊं आपको जो इस वक्त आपको ज़रूरत है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन जाके ठीक है सो so, मैं यार गाड़ी बनाना सिखा दें या वो बनाना सिखा दें कोई नहीं आपको देगा इस तरह का प्रोजेक्ट कि गाड़ी बना के दे दो ठीक है सो प्लीज़ 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 फ़ोकस रहें उन चीज़ों पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ट्रस्ट मी आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको वाकई मार्केट में यूज़ हो रही हैं और आपको ज़रूरत पड़ेंगी ये यूजुअली आइकन्स वगैरह बहुत सारी वेब वेब डिज़ाइन्स में या आपको मोबाइल ऐप्स की डिज़ाइंस में बहुत ज़रूरत पड़ती है हाँ मुझे पता है कि आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं बट कम ऑन यार खुद कब बनाओगे वो जो डाउनलोड कर रहे हो वो भी तो किसी ने बनाया ही है ना यार तो आप क्यों खुद नहीं बना सकते भाई बिल्कुल बना सकते हैं एंड ट्रस्ट मी आप लोग बनाएंगे एंड आज की क्लास मैं यहीं तक रख रहा हूँ और आई होप कि मुझे आप लोग बहुत सारे आइकन्स बना के दिखाएंगे और बहुत जल्द दिखाएंगे आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और अच्छा सा लेकर आऊँगा ठीक है थैंक यू